नमस्कार, Any24 चैनल से आप सभी दर्शक श्रोताओं को फिर से स्वागत है। शहर से बाहर चाय बागान के अंदर आज हम यहाँ पर खड़े हैं, इतना खुशनुमा एक माहौल में। बहुत गर्मी है शहर के अंदर, चले आए हैं आप सबके समक्ष एक बहुत ही खास प्रोग्राम लेकर के। साक्षात्कार है बहुत खास एक व्यक्तित्व की, जो इस बराक घाटी का एक बहुत ही खास व्यक्तित्व है। बस हम उनके ही अपेक्षा कर रहे हैं, यहाँ पर आए हम उनको लेकर के आपके समक्ष आ जाएंगे। चलिए, बातें करते करते वो आ ही गए हैं हमारे साथ, बस कुछ ही देर में आपके साथ रूबरू हो जाएंगे। चलिए, अभी पहले उनको हम वर्णन करते हैं आज के प्रोग्राम के लिए। जिनके अपेक्षा में थे इस समय, बस अभी वे हमारे साथ हैं। चले आए हमारे साथ दिलीप कुमार जी, आपको स्वागत है हमारे Any24 चैनल में। बस हम जानते हैं बराक घाटी के सभी की इतना खास व्यक्तित्व है, प्रेरणा भारती का कर्णधार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शिक्षा सेवक है और सामाजिक व्यक्तित्व तो है ही। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज एक खास साक्षात्कार हम उनके साथ लेने जा रहे हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं ये अभी निर्दल प्रार्थी से हमारे उम्मीदवार है। बस हम आज उनके ही सिमुख से सुनना चाहेंगे कि ये हमारे लिए क्या करने के लिए जा रहे हैं, क्या उनका स्वप्न है। दिलीप जी, आपसे बस वही पूछने जा रहे हैं कि आपका जो ये नया यात्रा है, इस यात्रा का क्या कारण है और क्या आपके मन में है, बस हमें सबको जानकारी दें। नमस्कार Any24 के सभी सम्मानित दर्शक भाइयों बहनों देवियों सज्जनों को, मैं करीमगंज लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हूँ। आगामी 4 जून को परिणाम आने वाले हैं। द्वितीय चरण में पिछले 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है। अब प्रश्न ये उठता है कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पत्रकार हूँ, फिर मैंने राजनीति में आने का निर्णय क्यों लिया। सबसे बड़ा सवाल ज़्यादातर लोगों के पास यही है। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि मैं छात्र जीवन से सामाजिक कार्यों में सक्रिय हूँ। बराक घाटी में मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से और विभिन्न संगठनों के माध्यम से बहुत सारे सामाजिक काम किए, लेकिन सरकार सुनती नहीं है, प्रशासन सुनता नहीं है। जब तक राजनीतिक मंचों से आवाज़ नहीं उठती है, सरकार और प्रशासन के ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2018 में हम लोगों ने बराक घाटी के पिछड़े क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के बहुत विशाल रैली की थी, धरना प्रदर्शन किया था। 2019 में वर्तमान मुख्यमंत्री और तब के असम सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के साथ हमारी बैठक भी हुई थी। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हमारी सारी मांगों को अगले 2-3 वर्षों के भीतर पूरा करेंगे, लेकिन वो 2019 से 2024 आ गया, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। पूरा करना तो दूर, बात भी नहीं किया, पूछा भी नहीं। बहुत सारे इशू हैं जिनको लेकर के मुझे मैदान में उतरना पड़ा। सबसे बड़ा इशू तो ये है कि असम सरकार हमारे पूरे बराक घाटी के साथ भेदभाव कर रही है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो विधानसभा लोकसभा में सीटें बढ़ाई जाती हैं, किंतु हमारे बराक घाटी में 15 विधानसभा क्षेत्र थे, उसको 13 कर दिया गया। किस कारण से? सीधे सीधे 2 विधानसभा क्षेत्र हमारे काट दिए गए। NRC के नाम पर 27 लाख लोगों का आधार ब्लॉक करके रखा हुआ है। विभिन्न प्रकार से यहाँ पर 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरियाँ भी हमारे बेरोजगार युवकों को नहीं मिल रही हैं। बराक घाटी का ग्रामीण क्षेत्रों के रास्ता घाट का हालत बहुत ख़राब है। चाय बागान की दिन पर दिन अवनति हो रही है, दुर्दशा हो रही है। सरकार सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सरकार के पास केवल एक ही झुनझुना है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, मोदी के नाम पर वोट दो, मोदी के नाम पर ये करो, मोदी के नाम पर वो करो। मोदी जी के हम सभी लोग समर्थक हैं, पूरा देश चाहता है फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन असम सरकार जो हमारे साथ भेदभाव कर रही है,
इसीलिए मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। यहाँ हार और जीत का प्रश्न नहीं है, मैं बराक घाटी की आवाज़ दिल्ली तक पहुँचाना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। दादा, एक सवाल है आपसे कि अगर राजनीति में आने के लिए आपका इतना भावना है, लेकिन इसके लिए कुछ खास प्रेरणा कैसे से मिली, या तो आपको ऐसे आप आए, और अगर जीत जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या सोच रखा है, कुछ हमें बताएं। मुझे प्रेरणा मिली इसलिए कि बराक घाटी के साथ भेदभाव हो रहा है, और मेरे मन में विचार आया कि इस आवाज़ को उठाना चाहिए। एक दो और मैं उदाहरण देना चाहूँगा भेदभाव के लिए। जैसे बराक घाटी में एकमात्र उद्योग था 5 ग्राम पेपर मिल, उसको बंद कर दिया गया। अब यहाँ का उद्योग जो बचा है चाय बागान, उसे भी बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। इसका जीता जागता उदाहरण डलू चाय बागान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर निषेधाज्ञा लागू कर दी है, और सरकार ने इलीगल तरीके से डलू बागान को बर्बाद किया है, उजाड़ दिया है। इसके लिए सरकार को और GNT को बात भी सुप्रीम कोर्ट की सुननी पड़ी है। तो जहां रोजगार सृजन के प्रयास किए जाने चाहिए, वहां रोजगार को बर्बाद किया जा रहा है। अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, जैसा कि देखने में आया कि डेलिमिटेशन में हमारी 2 सीटें कम कर दी गई, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी भी नहीं मिल रही है, बागानों को भी बर्बाद किया जा रहा है, और यहाँ जो विपक्षी दल हैं वो मौन है। विपक्षी दलों के सारे नेता जो है सरकार के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, तो आवाज़ तो किसी न किसी को उठानी पड़ेगी। इसीलिए मैंने ये भूमिका लिया है, और मुझे जीतने और हारने का कोई भी गम नहीं है, कोई परवाह नहीं है। यार, यदि मैं भगवान की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से अगर जीत गया, संसद में पहुंचा, तो बराक घाटी की आवाज़ को संसद में उठाऊंगा, और यहां की जो भी समस्या है, बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब के लिए मैं अपने हर तरह से प्रयास करूंगा, और बराक घाटी को देश के नक्शे पर ले आऊँगा, और सिलचर को और यहाँ के लोगों को देश के लोग जाने, दुनिया के लोग जाने, और यहाँ बराक घाटी के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ पर उद्योग धंधा बढ़े, बराक घाटी की उन्नति हो, इसके लिए संपूर्ण प्रयास मैं करूँगा। दादा, आखिर एक क्वेश्चन है कि इलेक्शन के बाद भी आपको लेकर के सिलचर में एक अगेंस्ट एक मीटिंग हुआ था, अगर आप इसके लिए कुछ बोले, क्या था इस मीटिंग के बारे में? देखिए, ये बड़ी ही हास्यास्पद बात है। जब चुनाव चल रहा था तो जिनको विरोध करना था उन लोगों ने किया, भाजपा ने पूरा प्रयास किया हमको हर तरह से रोकने के लिए। अब कुछ लोगों को पेट में, सिलचर में दर्द हो रहा है कि मैं करीमगंज से जाके क्यों खड़ा हो गया, तो मैं कैसे चुनाव लड़ गया। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, और मुझे किसी से अनुमति लेकर चुनाव लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, अनुमति दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन का जितनी योग्यता मैं पूरा कर रहा हूं, और उसके अनुसार मैं चुनाव लड़ा हूं। अगर इन लोगों को पेट में दर्द था, तो इन लोगों को मैं करीमगंज जाना चाहिए था मेरा विरोध करने के लिए, वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई, और सिलचर बंद कमरे में हमारा विरोध कर रहे हैं, तो इस विरोध से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इस तरह राजनीति में बहुत सारे आरोप और झूठे प्रत्यारोप लोग घर के भीतर लगाते रहते हैं, मैं बोलूँगा अगर उनका दम है तो मीडिया के सामने आए और सार्वजनिक रूप से अपनी बातों को कहें, और मैं उनका एक एक का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, आपको बहुत शुक्रिया कि इतना कीमती समय दे करके, व्यस्ततम समय को निकाल करके आप शहर के बाहर आकर के हमारे साथ आपकी इतना मूल्यवान जानकारी हमें दिया, जनगण को दिया, इससे बहुत ही फायदा होगी सबको। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। बस आपका आगे रहे, आपका राजनीतिक जीवन बहुत अच्छा रहे, यही कामना करते हैं Any24 चैनल के सभी की तरफ से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद Any24 के सभी कार्यकर्ताओं को और दर्शकों को। आप लोगों ने मुझे मेरी बात रखने का ये जो अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।